इस पे कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां शहरों में होगी। जैसे जैसे शहरों का विकास होता है, उसके साथ साथ उन्हें पॉवर्टी, जानलेवा एयर पॉल्यूशन और कई और मुद्दों का समाधान निकालना मुश्किल हो जाता है। पूरी दुनिया में अधिकतर लोग गांव से शहरों की तरफ प्रवास कर रहे हैं। जिस रफ्तार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जो अंत में भीड़ भाड़ वाली सड़कों, जानलेवा प्रदूषण और झुग्गियों को जन्म देगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि फ्यूचर आज से 30 साल बाद कैसा होगा और शहर कैसे होंगे, 2050 कैसा होगा? आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही मेगा सिटीज के बारे में बात करने जा रहे हैं और आखिर ये मेगा सिटीज इन चेंजेस से कैसे डील करेगी। हम इस वीडियो में पॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, एनवायरमेंटल इंपैक्ट और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। बस आप अपनी सीट पर जमे रहिए क्योंकि हम भविष्य के एक छोटे से एडवेंचर पर जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिए और अमेजिंग डील्स के नीचे दिए गए लिंक्स को एक बार जरूर चेक करें। बिना किसी और देरी के चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पास से बहुत कुछ सीख सकते हैं। काफी सालों से एक सिटी में 10 लाख लोगों को होल्ड कर पाना एक तरह से इम्पॉसिबल ही था, लेकिन 19वीं सेंचुरी के बाद लंदन और बीजिंग जैसे बड़े बड़े शहरों ने ये लिमिट तोड़ी और 10 लाख का मार्क पहली बार क्रॉस किया। इसके बावजूद इस आधुनिक युग में हमें पता है कि 1 मिलियन लोगों वाली सिटीज अब बिल्कुल भी उल्लेखनीय नहीं है। अकेले चाइना में ही 100 सिटीज ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन के आसपास है। ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। 2050 तक पूरी दुनिया में करीब 10 बिलियन की आबादी होगी। दुनिया में 2/3 लोग 2050 तक शहरों में थे और जनसंख्या सबसे तेजी से चाइना, नाइजीरिया और इंडिया में बढ़ रही होगी। अब चलिए थोड़ी जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं। यूएन पॉपुलेशन डिवीजन के मुताबिक कुछ सालों में रूरल एरियाज की आबादी चरम सीमा पर होगी और फिर 2050 तक इसमें गिरावट भी आ जाएगी। आज के समय में टोक्यो दुनिया की सबसे बड़ी सिटी है जिसमें 27 मिलियन लोग रहते हैं। उसके बाद है दिल्ली जिसमें 29 मिलियन लोग रहते हैं। उसके बाद है शंघाई जिसमें 26 मिलियन लोग हैं और इसके बाद आती है मैक्सिको सिटी और साओ पोलो जिसमें करीब 22 मिलियन निवासी हैं। कायरो, मुंबई, बीजिंग और ढाका में भी लगभग 20-20 मिलियन निवासी हैं। हालांकि दिल्ली लगभग 2028 तक जनसंख्या के मामले में टोक्यो से आगे निकल जाएगी। ऐसी भी उम्मीद है कि इंडिया जनसंख्या में चाइना से आगे निकल जाएगा और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। आज दुनिया की लगभग 55 जनसंख्या शहरों में रहती है, जो 2050 तक बढ़कर 68% हो जाएगी। वहीं इंडिया, चाइना और नाइजीरिया अकेले ही मिलाकर दुनिया की 1.3 पॉपुलेशन कवर कर लेंगे। आने वाले समय में हमें मेगा सिटीज की लिस्ट बढ़ती हुई नजर आएगी। 1990 में सिर्फ 10 मेगा सिटीज थी जिसमें 10 मिलियन और उससे ज्यादा निवासी रहते थे। अब आज के समय 33 मेगा सिटीज बन चुकी हैं और 2030 तक ये गिनती 43 तक पहुंचने की उम्मीद है और ये ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलेगी। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो मान लीजिए कि शहरों में रहने वाले इंडियंस की जनसंख्या उतनी ही होगी जितनी आज पूरे देश में है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारे जीने का तरीका भी दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। 2050 में सिटीज मल्टी मॉडल होगी और कार्स के ऊपर कम निर्भर होगी। प्लेन्स, ट्रेन्स एंड लूप्स। 2050 में कहीं दूर जाने के लिए एयरपोर्ट्स तो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन इसके अलावा और भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। यूएस बड़ी तेजी से हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और इसके अलावा ट्रैवल करने के कई और बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हाइपरलूप। ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज में ये ऑप्शन ज्यादा कामयाब होगा। फ्लाइंग व्हीकल्स। एक बात तो तय है कि 2050 में फ्लाइंग कार्स देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी इस चीज पर बहुत सी कंट्रीज में रिसर्च चल रही है। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन न्यू टेक्नोलॉजी की टेक्निकल गाइडलाइंस पर काम कर रहा है। दोस्तों, आपको शायद यकीन ना हो कि आने वाले 3 सालों में हमें दुबई और डलास में उबर एलिवेट देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि 2050 तक ही फ्लाइंग कार्स हर जगह अवेलेबल हो, लेकिन उस समय ये एक बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन चॉइस होगी। डिजाइन।
ये तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि 33 साल के बाद आर्किटेक्चुरल डिजाइन्स बहुत ज्यादा बदल जाएंगे, लेकिन क्या इससे कोई हमारे एनवायरनमेंट पर असर होगा? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी भी हम बहुत सारे एनवायरनमेंटल इश्यूज से जूझ रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, और ये तो जाहिर सी बात है कि 2050 तक पॉपुलेशन और ज्यादा पड़ेगा, तो उसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी बढ़ते जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं टॉप 8 कमिंग मेगा सिटीज और उनके पॉसिबल चैलेंजेस की। कराची, पाकिस्तान। पाकिस्तान का लगभग 31.7 मिलियन लोगों वाला शहर कराची 2050 की इस मेगा सिटीज वाली लिस्ट में अपना नाम लिखवा लेगा। हालांकि अपने अशांत अतीत और अपने बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के बावजूद भी ये शहर एक मेजर कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर है और एक बड़ा ही प्रमुख पोर्ट बना हुआ है इंडियन ओशन पर। ढाका, बांग्लादेश। ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, वो पहले ही पॉपुलेशन के मामले में दुनिया के चौथे नंबर पर है। 2018 में ढाका में 19 मिलियन लोगों की आबादी थी और आज 3 दशकों के बाद 35.2 मिलियन पहुंच गई है। अब ढाका में दोस्तों फ्लड उसके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस है। एक प्रमुख फाइनेंशियल सेंटर होने के बावजूद भी फ्लड और ट्रैफिक से ये देश जूझ रहा है, लेकिन अब 2021 में इससे कम करने के लिए मेट्रो की ओपनिंग हो रही है। दिल्ली, इंडिया। अगली है इंडिया की कैपिटल दिल्ली, जो अभी के समय इंडिया की सबसे पॉपुलेटेड सिटी है। दिल्ली का GDP हर साल 7.1% तक बढ़ता है और इसी के साथ दिल्ली ने इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी होने का स्टेटस भी मेंटेन कर रखा है, लेकिन एयर पोल्यूशन यहाँ का सबसे मेन चैलेंज बना हुआ है। 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे सबसे पॉल्यूटेड सिटी बताया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली 2050 तक 42 मिलियन क्रॉस कर देगी। टोक्यो, जापान। 44 मिलियन से अधिक लोगों की आश्चर्यजनक आबादी के साथ जापान की राजधानी टोक्यो हमारी लिस्ट में 5वें स्थान पर है। टोक्यो पहले ही पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी है और 2015 से अपनी रैंकिंग बनाए हुए है, जिसकी पॉपुलेशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। मुंबई, इंडिया। ढाका के एक कदम आगे और हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पर है इंडिया की लीडिंग फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, या फिर यूँ समझ लो कि मुंबई इंडिया का इकोनॉमिक हार्ट है और ये आगे भी 2050 में लार्जेस्ट सिटीज में से एक होगी और इसकी अनुमानित आबादी करीब 45 मिलियन तक होगी। अपॉर्चुनिटीज में कोई कमी ना होने की वजह से यहाँ पूरे देश भर से लोग जॉब ढूंढने आते हैं और इसी तरह लगभग आने वाले 2 दशकों तक ये सिटी ऐसे ही लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज देती रहेगी। डर एस सलाम, तंजानिया। तंजानिया के कोस्ट पर बसे शहर दस एस सलाम की आबादी आज सिर्फ 4.4 मिलियन है। 2050 तक इसकी आबादी 1588% तक बढ़ने का अनुमान है, जो कि 2050 में करीब 52 मिलियन के आसपास होगी। किंशासा, DRC। किंशासा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी 60 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सिटी बनने का अनुमान है। लागोस, नाइजीरिया। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर लागोस, जो पिछले कुछ सालों से आगे बढ़ता ही जा रहा है और ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इसकी जनसंख्या किसी के पास नहीं है। हर दिन करीब 2000 लोग यहाँ माइग्रेट हो रहे हैं। अगर ये इसी हिसाब से बढ़ती रही तो ये करीब 11 से 22 मिलियन पहुँच जाएगी। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक 95% पॉपुलेशन रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में चले जाएंगे और अगर इसे अच्छे से हैंडल करना है तो हमें पहले से ही इसकी प्लानिंग करनी होगी। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।